नमस्कार, मैं हूँ कुसुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं आज मटर का चीला बनाने जा रही हूँ, जो खासकर बच्चों के लिए है। तो चलिए हमारे किचन में हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मटर। 250 ग्राम मैंने चावल का आटा ली है, उससे आप सूजी भी ले सकते हैं। सब्जी में हमने पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च लिए हैं। यहाँ पे हमने लिया है प्याज, एक प्याज चॉप कर लिया है, ये हरा प्याज पत्ते वाली, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता। मसाले में लिए हैं आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर। यदि आपके बच्चे तीखे पसंद नहीं करते हैं तो मिर्ची हटा सकते हैं। हींग भी लिए हैं। अब इसको क्या करना है, को पहले ग्राइंड कर लेना है। इसको महीन ग्राइंड कर लेना है। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें ग्राइंड किया हुआ मटर, चावल का आटा देंगे। हम चावल का आटा बड़े चम्मच से 2 चम्मच पहले डालना है, यदि कम पड़ेगा तो फिर बाद में डालना है। उसके बाद सारी सब्जियां, यदि चावल का आटा थोड़ा कम पड़े तो फिर बाद में डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा ठीक होने हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी का यूज करना है, क्योंकि नमक डालने के बाद फिर इसमें पानी छूटेगा। प्याज, हरा प्याज, हरी मिर्ची भी आपके बच्चे नहीं खाते हुए तो इसे भी छोड़ सकते हैं। धनिया पत्ता, मसाले में धनिया, जो भी मसाले हैं उसे डाल दें। चुटकी भर हींग देना है। इसको अच्छी तरह से मिला के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसमें चावल का आटा थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच और डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ देना है।
15 मिनट के बाद गैस पे तवा चढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सा खाने वाला कोई भी ऑयल लगाइए और इसको थोड़ा थोड़ा करके उस पे सेकना है। इसको धीमी आंच पे पकाना है जिससे कि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में ढक ढक के इसको पका लेना है। इस तरह से इसको उलट पलट के सिझा लेना है। यह चीला बहुत ही टेस्टी होता है। आप अपने बच्चे को बनाकर खिलाइए। इसको मूंगफली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। यदि मूंगफली की चटनी का रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।